हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सिनेदा में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई जिसका नेम है अप्रेंटिस। तो आज हम अप्रेंटिस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अप्रेंटिस है क्या चीज? ये अप्रेंटिस वर्ड आपने जो है सुना होगा जब आप होटल में गएंगे, इवन जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे ये वर्ड आपने सुना ही नहीं होगा, क्योंकि आपको जब आप कॉलेज में जाते तो आपको जो है जो बेसिक होता है वही आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हो वहाँ पर आप देखते हो ये अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस करके आपने ये वर्ड सुनते हो, फिर आप सोचते हो ये अप्रेंटिस है क्या चीज़, क्या इनका जो है कोर्स एक अलग होता है, क्या ये जो है कौन सा कोर्स करते हैं, और ये होता कितने साल का है, और इसके करने के बाद क्या पोजीशन मिलती है, और इसकी वैल्यू क्या है। तो ये सब मैं आपको आज बताऊंगी इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये जो अप्रेंटिस होता है ना, ये अप्रेंटिस एक ट्रेनी के तरह ही होता है, बट ये ट्रेनी से ऊपर होता है, क्योंकि इसको जो है 2 साल की इनकी ट्रेनी होती है। ट्रेनी की जो हम बात करते हैं, जो 6 मंथ की ट्रेनी होती है, वो ओनली 6 मंथ की होती है, और वो 4 डिपार्टमेंट में करवाई जाती है जब आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनी होती है। जो अप्रेंटिस होता है ये एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में ही एक अप्रेंटिस होता है। अप्रेंटिस हर डिपार्टमेंट में होएगा, और वो जो है अप्रेंटिस की 2 साल की जो है ट्रेनिंग होती है, इसकी कोई स्टडी नहीं होती। एंड में जब 2 साल इनके कंप्लीट हो जाते हैं, 2 साल बाद इनका एक एग्जाम होता है। उस एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता, टिक मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है उसमें से 4 आंसर होंगे, 4 में से कुछ एक टिक करना पड़ेगा। तो उस तरह के क्वेश्चन आपके होते हैं, उसमें आप जब पास हो जाते फिर आपको वो पोस्ट मिलती है स्टार्टिंग कॉमी 3rd की। बस 2 साल का होता है, और इसकी जो है जब स्टडी नहीं होती तो इसमें कोई फीस भी पे नहीं करनी पड़ती, उल्टा आपको स्टाइपेंड मिलता है। आपको जो है इसमें जो मिलता है आपको, वो मिलता है 5,000 to 6,000, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पर, कहीं पर 7,000 भी मिलता है। तो ये अप्रेंटिस 2 साल का होता है, इसका फॉर्म फिल करते हैं, और फिर वहाँ पर आपके जो मेल में मेल आ जाती है कि आपकी जो है ट्रेनिंग 2 साल के लिए कहाँ पर लगी है। जिस स्टेट से आपने फॉर्म फिल करा, जरूरी नहीं आपको उसी स्टेट में जो है आपको वहीं पर ट्रेनिंग लगेगी, वहीं के आसपास के होटल में, कहीं पर भी किसी भी स्टेट में आपकी वो ट्रेनिंग लगती है वो डिसाइड करती है सरकार। जहाँ पर फॉर्म फिल आपने करा है वहीं से डिसाइड होकर आता है, फिर वहाँ पर आपको 2 साल तक आपको जो है वहाँ पर अप्रेंटिस करनी होती है। उसके बाद आपकी सीधा पोस्ट लग जाती है, आपका एक एग्ज़ाम होता है। तो ये होती है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस ट्रेनी से ऊपर होती है, और इनको वो सब कुछ सिखाया जाता है बेसिक तरीके से। एक जो कौमी 3rd होता है वही जो है अप्रेंटिस को बताता है कि तेरा ये काम है और ये करना है। 9th तक इसको स्टार्टिंग से सबको सिखाते हैं, प्रैक्टिकली होता है, यहाँ पर थ्योरी नहीं होती है, यहाँ जो भी सिखाया जाता है वो प्रैक्टिकली। जो आप कॉलेज में पढ़ते हो, डिग्री करते हो, डिप्लोमा करते हो, वहाँ पर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कुछ जो है आपको पढ़ाया जाता है और करवाया भी जाता है। बट अप्रेंटिस में ओनली प्रैक्टिकल होता है 2 ईयर्स की, और 2 ईयर्स में तो आपको पता है जब आप 6 मंथ की ट्रेनिंग में काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, तो 2 ईयर्स में आप कितना कुछ सीख जाएंगे। और वो एग्ज़ाम हर कोई जो है क्लियर कर लेता है, और वो एग्ज़ाम ये नहीं कि आपको देना ही ज़रूरी है, जैसे इस साल में आप नहीं दे पाए तो अगले साल आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में भी आप दे सकते हैं। और जिस होटल में आपकी अप्रेंटिस लगी है उसी होटल में आपको जॉब भी मिल जाती है, और कहीं पर भी आपको जॉब मिल सकती है। ये नहीं कि आपने अप्रेंटिस कर आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, आपको कहीं पर भी जॉब मिल सकती है। आप यही मान लीजिए, जब किसी का एक्सपीरियंस होता है किसी चीज़ में, उन्होंने उसने ना कोई डिग्री करी है, ना कोई डिप्लोमा करा है, ना अप्रेंटिस करी है, एक्सपीरियंस के बेस पर काफ़ी शेफ को आपने देखा होगा एक होटल के अंदर कि वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। उन्होंने कोई स्टडी थोड़ा करी है, उन्होंने कोई डिप्लोमा थोड़ा करा, उन्होंने कोई जो है अप्रेंटिस थोड़ा करा है। अप्रेंटिस जो है एक सरकार ने चला दी है उनके लिए जो है जो फीस पे नहीं कर पाते, जो पढ़ाई अपना थोड़ी सी पढ़ाई करी 10th तक 8th तक करी, उसके बाद घर बैठ गए, उनके लिए जो ये जो अप्रेंटिस है ये स्किल के लिए है। उसके अंदर स्किल आपकी आती है, स्किल डेवलपमेंट होती है इस अप्रेंटिस के कोर्स में, इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगते। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।